वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर आज पेश होगा भोपाल का मास्टर प्लान। जी हां, आज जारी होगा भोपाल का मास्टर प्लान। नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह करेंगे इस मास्टर प्लान का अनावरण। मिंटो हॉल में 3 बजे होगा ये कार्यक्रम। जयवर्धन सिंह जारी करेंगे आज राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान। मिंटो हॉल में 3 बजे होगा कार्यक्रम का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, आज होगा राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान जारी। नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह करेंगे इसे जारी। मिंटो हॉल में दोपहर 3 बजे होगा आयोजन। और इस वक्त की अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर 16 मार्च से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश में 16 मार्च से शुरू होगा विधानसभा का बजट सत्र। हंगामेदार हो सकता है मध्य प्रदेश का बजट सत्र। हॉर्स ट्रेडिंग मामले पर विधानसभा में हो सकता है हंगामा। और हमारे सहयोगी सनी मालवीय इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। सनी, 16 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, इस मामले को उठाकर विधानसभा में जोरदार हंगामा भी देखने को मिलेगा हमें। सनी, सनी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? एक बार फिर हमारे सहयोगी सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, 16 मार्च से मध्य प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सनी, मध्य प्रदेश में 16 मार्च से बजट सत्र विधानसभा का शुरू होने जा रहा है और पूरी उम्मीद है कि ये बजट सत्र हंगामेदार होगा। जी बिल्कुल, निश्चित ही आगामी 16 मार्च को शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। और ताजा राजनीतिक घटनाओं को मद्देनजर रखते बीजेपी बजट 2020 और 21 को लेकर विनियोग विधेयक पर मतदान की मांग उठा सकती है। यह एक ऐसा मौका होगा जिसमें सरकार का सदन बहुमत के आधार पर 28 मार्च तक विधेयक पारित कराकर राज्यपाल लालजी टंडन की अनुमति के लिए भेजना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर 1 अप्रैल 2020 के खर्च के लिए विभाग का बजट नहीं मिल पाएगा। और इसको लेकर वहीं कानून व्यवस्था, कर्ज माफी, अतिथि विद्वान कर्मचारी जैसे मुद्दे और महंगाई भत्ते के बढ़ाने के मुद्दे को लेकर अब विपक्ष सरकार को घेर सकती है। और साथ ही जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी जो उथल पुथल मची है, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला भी ये विधानसभा में उठ सकता है। और सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि सरकार के लिए चुनौती विधानसभा के बजट सत्र में भी बनी रहेगी। विभागीय बजट और विनियोग विधेयक पारित करने के दौरान बीजेपी मुसीबत खड़ा कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सनी हमारे साथ इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।